कोरोना से बचने के लिए देश और राज्य की सरकारें कई उपाय कर रही हैं और इन्हीं उपायों के मद्देनजर कई धार्मिक और पब्लिक प्लेस को एहतियातन बंद कर दिया गया, जिससे पब्लिक गैदरिंग से बचा जा सके और कोरोना के संभावित संक्रमण को रोका जा सके। शिरडी का साईं दरबार बंद, अहमदाबाद का अक्षरधाम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद, गुजरात में 25 मार्च तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बंद, ताजमहल सहित एएसआई के सभी स्मारक 31 मार्च तक बंद, घरेलू और इंटरनेशनल दोनों पर्यटकों के लिए नो एंट्री। ये बंद हमें और आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि कोरोना से सभी को बचाने के लिए है। कोरोना, जिसे आप जितना जानेंगे इसके खतरे से उतना ही दूर रहेंगे। इसी कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई उपाय किए हैं, साथ ही कई पाबंदियां भी लगाई हैं। भारत ने फिलीपींस समेत 3 देशों से अगले नोटिस तक आवाजाही बंद की। जम्मू कश्मीर में विदेशी सैलानियों के आने पर पाबंदी लगाई गई। भीड़ कम करने के लिए देश के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले 250 स्टेशन पर 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए कर दिया गया। केंद्र ने अपने सभी दफ्तर में थर्मल स्कैनर लगाने के आदेश दिए। सरकारी संस्थानों में सभी अस्थायी पास सस्पेंड किए गए, साथ ही बाहरी लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने सभी पब, डिस्को, ऑर्केस्ट्रा और बार को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। पंजाब में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, म्यूजियम बंद किए गए हैं। पंजाब की साप्ताहिक किसान मंडी पर भी 31 मार्च तक रोक लगाई गई है। राजधानी दिल्ली में नेशनल म्यूजियम 31 मार्च तक बंद किया गया है। पब्लिक गैदरिंग को देखते हुए 50 से अधिक लोगों के एक जगह होने पर पाबंदी लगाई गई है। यूपी में 2 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं गुरुग्राम में 31 मार्च तक सभी MNC, IT और BPO ऑफिस बंद किए गए हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भी पार्टी की बैठक में बड़ा फैसला लिया। पीएम ने बीजेपी नेताओं को ताकीद की कि वो किसी भी तरह का प्रदर्शन न करें। खासकर उन राज्यों के नेताओं से अपील की गई जिन राज्यों में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर कुछ और फैसले लिए। राज्य में सभी जगह धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जो लोग मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, हैंड टू माउथ हैं, उन्हें सरकार आर्थिक तौर पर मदद देगी। एक महामारी है और ये अभी स्टेज 2 पर है, तो स्टेज 3 की तरफ हम लोग ना बढ़ पाए उसके लिए जितनी भी सावधानियां हैं हम लोग बरत रहे हैं। कोरोना से बचाव के इन उपायों के अलावा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के DG ने ये बताया कि इस वक्त देश में 72 लैब्स में वायरस का टेस्ट हो रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में 50 और लैब में ये फैसिलिटी मिलने लगेगी। ICMR के DG प्रोफेसर बलराम भार्गव ने प्राइवेट लैब कंपनियों से अपील की कि वो कोरोना वायरस का डायग्नोसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करें। ICMR प्राइवेट लैब से ये अपील करता है कि वो कोरोना वायरस का टेस्ट बगैर कोई पैसा लिए करें, और अगर वो इस राष्ट्रीय आपदा के वक्त सामने आकर मदद करना चाहते हैं तो इसे सराहा जाएगा। ये अपील है, सिर्फ अपील। देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है और इसी का हवाला देकर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने चिंता जाहिर की। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि जब सारे स्कूल, कॉलेज और संस्थान बंद किए जा रहे हैं तो संसद सत्र को क्यों जारी रखा गया है। खैर, ये फैसला संसद के दोनों सदनों पर छोड़ देना चाहिए और गौर इस बात पर करनी चाहिए कि कोरोना की रोकथाम के लिए जो जरूरी बातें हैं उसे लेकर लोगों में जागरूकता कैसे फैलाई जाए, क्योंकि ये बंद और पाबंदियां डराने या खौफ पैदा करने के लिए नहीं बल्कि सतर्क रहने और कोरोना से डटकर लड़ने के लिए लगाई जा रही हैं। जिस कोरोना वायरस ने सबको हिलाकर रख दिया है, वो कितना खतरनाक है और उसके संक्रमण की रफ्तार कितनी है, इसे हम और आप सब जानना चाहते हैं। तो आइए अब इसे जानने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर इस वायरस की इंटेंसिटी कितनी है, इसका आखिरी स्टेज कैसा होता है। Thank you.
जिस कोरोना को लेकर देश में उहापोह की स्थिति है, लोगों में टेंशन है, आइए आपकी टेंशन को थोड़ा कम किए देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि कोरोना को आप हल्के में लें, क्योंकि कोरोना का वायरस ऐसी श्रेणी में आता है जो काफी तेजी से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में आकर 10 गुना तेजी से विस्तार करता है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कोरोना के कितने स्टेज हैं और भारत किस स्टेज पे है। कोरोना वायरस का खतरा 4 स्टेजेस में माना गया है। पहली स्टेज है इम्पोर्टेड केसेस, जहां बाहर के मुल्कों से आए लोग इससे प्रभावित मिलते हैं। दूसरा लोकल ट्रांसमिशन, जहां बाहर से आए लोगों की वजह से लोकल लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यहां ये वायरस तेजी से लोगों के बीच में फैलता है, जैसा चीन और इटली में दिखाई दिया। और चौथा एपिडेमिक, यानी जब ये वायरस महामारी का रूप ले लेता है। हमारे देश में ये वायरस अभी सेकेंड स्टेज यानी लोकल ट्रांसमिशन तक लिमिटेड है। इस स्टेज पर हम सबको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। अगर लोगों ने कोरोना वायरस को छुपाया तो खतरा बड़ा हो सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए अहमदाबाद में उन 460 लोगों को घरों में सेल्फ क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है, जो पिछले कुछ दिनों में विदेश से होकर आए हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक परिवार जो है वो अमेरिका से लौटा है। ये लोग दिशांत मेहता का परिवार जो है ये अमेरिका से लौटा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके घर में पूरा जो घर है उसको फ्यूमिगेट किया जा रहा है, एक एक पॉइंट को, इवन जो प्लग्स हैं, जो दरवाजों के नॉब्स हैं, दरवाजों के जो हैंडल्स हैं, उनको भी फ्यूमिगेट किया जा रहा है। अहमदाबाद में लोगों के घरों को आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है, तो बिहार में सरकार ने एक 3-स्टार होटल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया है। बिहार में अभी एक भी मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बिहार सरकार ने तय किया है कि एक 3-स्टार होटल, ये होटल पाटलिपुत्र अशोका है जो पिछले करीब 6-7 महीने से बंद पड़ा हुआ है, इसको आइसोलेशन सेंटर के तौर पर बनाने की योजना है। और यही कारण है कि अब इस बंद पड़े होटल में जो सफाई का काम है वो शुरू हो गया है, और कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो इस होटल को तैयार करके इसे आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार कर दिया जाए। पुणे में ट्रेड यूनियन ने शहर की 40,000 दुकानों को अगले 3 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया है, और वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में कुल 41 मामलों में अकेले पुणे में कोरोना के 17 पेशेंट्स हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय युद्ध स्तर पर इसके इलाज पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ दुनिया में चल रही रिसर्च से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। You see some research being done on chloroquine in US right now. So I can only say that these approvals are given after detailed scientific scrutiny, not by the ministry as such, but by the group of scientists working together at ICMR. केवल स्वास्थ्य मंत्रालय ही नहीं, मोदी सरकार का हर मुलाजिम इस महामारी को दूर करने के उपाय में जुटा है, जिसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि हैंक बेकेडम ने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की। I think the commitments from India government, from the top level, the Prime Minister's office himself, to all sort of people in the state, I think has been enormous and has been very good and very impressive. And I think in that sense, that's also one of the reasons why India is still doing quite well. WHO अगर सरकार के काम की तारीफ कर रहा है तो इसकी ठोस वजह भी है। जर्मनी से भारत वापस आए लोगों को दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी में निगरानी में रखा गया, वहां जैसी फैसिलिटी दी है उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। मुझे आने के बाद बड़ा डर लग रहा था, लेकिन पहुंचने के बाद जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने, भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने की है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी व्यवस्था तो मैंने जर्मनी में भी नहीं देखी है। गनीमत है कि अभी सिर्फ उन लोगों के केस सामने आए हैं जो विदेश से लौटे थे या फिर विदेश से लौटे लोगों के कॉन्टेक्ट में आए, लेकिन अगर ये स्टेज क्रॉस हो गई तो वायरस के फैलने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए हमें
काफी सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना से लेकिन न डरने की जरूरत है न परेशान होने की, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। वो सावधानी क्या है आजकल सरकार बता रही है, बड़े बड़े डॉक्टर्स बता रहे हैं। इसी के साथ बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार भी लोगों को वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। वो तरीके क्या हैं आपको दिखाते हैं। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, 20 सेकंड जरूर मिलेगा। बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना, हाथ ना मिलाएं, दूर से ही नमस्ते करें, बाहर जाने से बचें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप घर पे रहिए, वायरस को स्प्रेड मत कीजिए। फिल्म जगत और खेल जगत की हस्तियां 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आजकल अपने अंदाज में मैसेज दे रही हैं कि महामारी कोरोना को कैसे परास्त करना है, इससे कैसे बचना है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ट्विटर पर वीडियो शेयर कर हैंड वॉश करने का तरीका बताती नजर आ रही हैं। वीडियो के जरिए दीपिका ने अपने फैंस को हाथ सैनिटाइज करने और धोने का सही तरीका बताया है। अब एक्ट्रेस प्रीति जिंटा लोगों को क्या सलाह दे रही हैं? वो भी सुनिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस। इसलिए टू थ्री थिंग्स आई वांट टू रिक्वेस्ट यू। एक, प्लीज घर पे रहिए, घर पे रह के हाथ बार बार धोइए और अपनी हाथों की सफाई सबको दिखाइए। दूसरा, बाहर इसलिए मत जाइए क्योंकि बहुत इन्फेक्शियस है और अगले दो हफ्ते में बहुत फर्क पड़ेगा कि इंडिया में केसेस कितने आए हैं और कितने डिटेक्ट हुए हैं। इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप घर पे रहिए, वायरस को स्प्रेड मत कीजिए। बॉलीवुड के सितारों की तरह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी एक वीडियो ट्वीट कर कोरोना से बचने के उपाय बताए हैं। हाथ मल रहे हो साबुन से, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज आप कर सकते हैं, हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से ही हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, 20 सेकंड जरूर मल लीजिए। ऊपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए जरूर। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हो गए। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सही तरह से सुखाना, भूलिएगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी ट्विटर पर लोगों को जानलेवा वायरस से बचने की सलाह दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मजबूत रहें और सभी एहतियात बरतते हुए कोविड-19 से लड़ें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इलाज से बेहतर रोकथाम है, सबका ख्याल रखें। कोरोना से न सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि दूसरों को भी बचाना है, यही वजह है कि सेलिब्रिटीज लोगों को जागरूक कर रही हैं। पिछले दिनों महानायक अमिताभ बच्चन ने कविता के जरिए लोगों से कोरोना को हराने की अपील की थी। क्यों कहस कलौंजी पीसो, क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन की ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हम वो कर देते हैं जैसन बोले सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। इससे पहले एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से हैंडशेक के बजाय हिंदुस्तानी नमस्ते करने की अपील की थी। जाहिर है पूरे देश को इस तरह की सलाहों और सावधानियों पर अमल करना होगा। हम और आप सावधान रहेंगे तभी कोरोना को हरा पाएंगे। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए